इसके साथ दो एसेसरीज आपको जरूर खरीद करनी चाहिए। अब ऑटोफिट ड्राइव में दो तरह के ड्राइव हम बेचते हैं, ये ताइवान मेक है। इस तरह से आपको चार कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, कितनी ताकत है और क्या रेंज है। दोस्तों, बंका मशीन के हमारे YouTube चैनल पर वर्टिकल टरेट मिलिंग के बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके साथ दो एसेसरीज आपको जरूर खरीद करनी चाहिए। एक है ये DRO और दूसरी एसेसरीज है वो है ये ऑटोफिड ड्राइव। अब ऑटोफिड ड्राइव में दो तरह के ड्राइव हम बेचते हैं, एक है DC ड्राइव और ये वाली है AC। DC ड्राइव के लिए पूरा वीडियो बनाकर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आई बटन आपको दिखेगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस AC ड्राइव के बारे में। इसमें ज़्यादा ताकत मिलती है और ये ज़्यादा रिजिड है। बड़ी ताकत वाली कट उठाने के लिए यही ड्राइव सूटेबल है। और एक बात याद रखें कि ये लॉन्ग लाइफ भी है। और ये कहाँ बनी हुई है, ये ताइवान मेक है, तो इसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। सबसे पहले ऑपरेटर इसे चालू करके आपको दिखाएगा कि इसमें कितने मोड है। तो पहले आपको बताऊं कि इसमें दो मोड है, एक है क्विक, क्विक का मतलब कि आप रैपिड में इसको कैसे चलाएंगे, और दूसरा मोड है इसमें कि ये स्लो, जब आप कटिंग कर रहे हैं लोवेस्ट फीड चाहिए उस वक्त। अब यहाँ बीच में है वो आप देखेंगे कि ये न्यूट्रल कंडीशन है, यहाँ पर अगर आप मोटर को शुरू करेंगे या बंद करेंगे तो ये मूवमेंट नहीं देने वाला है। लेकिन अब वो लगा रहा है इसे लोवेस्ट फीड में, तो लो फीड में ये जैसे आप कट लगा रहे हैं ऐसे ये शुरू करेंगे। अब आपको ये दिख तो रहा है कि ये लो फीड में घूम रहा है, ऐसे आप कट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट फीड रेट है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट फीड रेट है। अगर आप इससे कम फीड में चलाना चाहे तो कैसे चला पाएंगे। दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई देगा कि यहां ए और बी एक लीवर है और उसके बाजू में 1, 2 दूसरा लीवर है। इस तरह से आपको चार कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और ये चारों कॉम्बिनेशन में आपकी ऑटो फीड काम करेगी। और ये कैसे घूमती है ये देखिए म्यूजिक के साथ। आपका एक सवाल तो वाजिब है कि ये जो मोटर चल रही है वो कितनी ताकत वाली है और उसके क्या स्पेसिफिकेशन है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर इसका लेबल दिखा देता हूँ और आप देख लीजिए कि इसकी कितनी ताकत है और क्या रेंज है। तो दोस्तों, आज आपने देख लिया कि ये ऑटो फीड सिस्टम कैसे मिलिंग मशीन में हमें उपयोगी है, और जो भी लोग ये टरेट टाइप मिलिंग मशीन हमसे खरीद रहे हैं उन्हें मैं सुझाव देता हूं कि एक बार ये ऑटो फीड खरीदना चाहिए। इसकी लाइफ बहुत लंबी है और अगर आप इतना पैसा अफोर्ड कर पाते हैं तो आपके ऑपरेटर को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, उसे बहुत शांति मिलेगी और कट लगाने में भी आपको फिनिशिंग भी अच्छा मिलेगा। मिलिंग मशीन आप हमसे खरीदना चाहते हैं
तो ये M3 मिलिंग मशीन 4 लाख रुपए में राजकोट से आपके शहर तक पहुंच जाएगा।